अनकेडमी लाया है एनटीए यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर एनटीए यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। डेट याद रखिए मार्च 13 4 बजे से पेपर फर्स्ट के लिए। ये टेस्ट दीजिए और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस और स्कॉलरशिप। टॉप रैंकर को मिलेगा लैपटॉप और 100% स्कॉलरशिप। रैंक 2 टू रैंक 5 लाने वाले को टैबलेट और 75% स्कॉलरशिप। रैंक 6 से रैंक 15 तक के बच्चों को गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹5,000 एंड 50% स्कॉलरशिप। रैंक 16 से रैंक 50 तक गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹2,500 और 25% स्कॉलरशिप। रैंक 51 टू रैंक 100 25% स्कॉलरशिप। आज ही इनरोल कीजिए इस टेस्ट के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका लिंक। और ये जो टेस्ट है ये क्यूरेट किया गया है टॉप एजुकेटर्स द्वारा। आपको मिलता है ऑल इंडिया लाइव स्कॉलरशिप टेस्ट, डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस, विन स्कॉलरशिप एंड प्राइजेस एंड अटेम्प्ट लाइव। आज ही इनरोल कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर सबॉटनी। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। पिछले वीडियो में हमने सेला जेनेरा के बारे में बात किया था। आज के इस वीडियो में हम दो जेनेरा जो है कवर करेंगे। एक तो कैलामाइटिस और दूसरा इक्विसीटम। ठीक है, कैलामाइट्स के बारे में देख लेते हैं। कैलामाइट्स जो है और इक्विसीटम को हॉर्स टेल बोला जाता है कॉमनली, और कैलामाइट्स को जाइंट हॉर्स टेल बोला जाता है। पर कैलामाइट जो है ये एक फॉसिल प्लांट है। इसका फॉसिल अपर डेवोनियन जो था पीरियड उससे मिला था। और अगर कैलामाइट्स के बारे में आप देखेंगे तो इसका जो प्लांट था वहाँ पे आपको शूट मिलता, राइजोम मिलता और रूट मिलता। ठीक, शूट जो था वो नोड्स और इंटरनोड्स में बटा हुआ था। ठीक, और उस पर रिप्स पाए जाते हैं, रिप्स ग्रूव एंड रिप्स, जैसा कि इक्विसीटम सेम। आप जैसे इक्विसीटम का वो पढ़ते हैं फीचर्स, वैसा कुछ कैलामाइट्स का भी था। ठीक, और जो लेकिन यहाँ पे क्या है, लीव्स जो थे वो वर्ल्स पे रहते थे नोड्स पे, मतलब घेरे में। ठीक, बहुत सारे। और यहाँ पे 3 सब जेनरा बनाया गया था कैलामाइट्स के अंदर, कैलामिटिना, यू कैलामाइट्स एंड स्टाइलो कैलामाइट्स। 3 सब जेनरा, जीनस के लोअर लेवल को हम सब जेनरा बोलते हैं बेस्ड ऑन ब्रांचिंग पैटर्न। और ये जो 3 सब जेनरा इसके बनाए गए हैं, इसमें ये किस बेसिस पे बनाए गए हैं, इनके ब्रांचिंग पैटर्न के बारे में। ठीक है, जो कैलामिटिना है उसमें एक टाइप का ब्रांचिंग पैटर्न मिलता है, यू कैलामाइट्स है उसमें एक टाइप का ब्रांचिंग पैटर्न मिलता है, और जो स्टाइलो कैलामाइट्स है उसमें दूसरे टाइप का ब्रांचिंग पैटर्न मिलता है। तो तीनों को आप पहचान सकते हैं। लीव्स की अगर हम बात कर लें तो जो इसके लीव के फॉसिल्स थे उनको 2 फॉर्म जेनरा में बांटा गया था। फॉर्म जेनरा क्या होता है, मैंने आपको बताया था फॉसिल प्लांट जो है पूरा का पूरा उसका पार्ट जो है एक साथ नहीं मिलता था, अलग अलग मिलते थे। कभी किसी का फ्रूट मिल गया, कभी किसी का कुछ मिल गया, फ्रूट नहीं कौन, ठीक, सीड मिल गया, लीफ अलग मिल गया, स्टेम अलग मिल गया, राइजोमेट अलग मिल गया। तो उन्हें एसोसिएट करना एक दूसरे से काफ़ी मुश्किल होता था, इसलिए फॉर्म जेनरा बना दिया जाता था। मतलब जो लीफ कहीं भी मिला उसको जीनस का नाम दे दिया, सब सीड कहीं भी मिला उसको जीनस का नाम दे दिया गया। तो ऐसे ही लीव्स को एनुलारिया और एस्टेरोफिलाइट्स में 2 फॉर्म जेनरा में बांटे गए थे बेस्ड ऑन शेप, क्योंकि उनका शेप अलग अलग था। कारिनल कैनाल जो है स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। वेलेकुलर कैनाल और कारिनल कैनाल आपको इक्विसीटम में भी देखने को मिलेगा। कारिनल कैनाल जो होते हैं ये जो स्टीलर सिस्टम स्टील है, एक्चुअली स्टील के अंदर जो कैनाल्स होते हैं वो कारिनल कैनाल्स होते हैं। कोन जेनरा अगर हम बात करें, मतलब जो कैलामाइट्स के कोन के बेसिस पर जो जेनरा बनाए गए थे वो कैलामोस्टैकिया, सिंगुलारिया, पेलियोस्टैकिया और ये सब थे तीनों। Having peltate sporangiophora, जो ये कोन में जो था इनका peltate sporangiophore पाया जाता था, और each जो sporangia है वो 4 sporangia bear करता था, और they are mostly heterospores, मतलब जो spore बनते थे वो heterosporous होते थे, मतलब microspore और megaspore, जो microspore generate करके male gametophyte बनाता और megaspore generate करके female gametophyte बनाता। ठीक है, तो ये था। इक्विसीटम पे आ जाते हैं हम, जिसको हम हॉस्टेल बोलते हैं। सबसे खास बात ये है कि हॉस्टेल या इक्विसीटम ये इंडिकेटर्स होते हैं अगर सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट हो तो, मतलब ये वहीं पे ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉइल में मिनरल्स होते हैं। ठीक, तो और इनके एपिडर्मिस पे आप देखेंगे सिलिका का डिपोजिशन होता है। स्पोरोफाइट जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, स्पोरोफाइट में आप देखेंगे तो स्टेम आपको मिलता, लीव्स भी आपको मिलता, राइजोम और रूट्स भी आपको मिलता। स्टेम के पास क्या होता है, दोनों जो इसका इक्विसीटम है इसका स्टेम दोनों टाइप के फीचर्स शो करता है। एक कुछ फीचर्स हैं जो बताते हैं कि ये हाइड्रोफिटिक है, और कुछ फीचर्स हैं जो ये भी शो करते हैं कि ये जीरोफिटिक है। ठीक, और इसका जो स्टेम था वो नोड्स और इंटर नोड्स में बटा हुआ था,
नोड्स जो होते थे वो सॉलिड होते थे, उसमें एक डायफ्राम है जिसको नोडल डायग्राम बोला जाता है वो होता है, और जो कि किससे बना हुआ था नोडल डायग्राम, ये जो वैस्कुलर बंडल्स आते हैं स्टेम नीचे से वो नोड पे आके सारे फ्यूज हो जाते हैं उससे बनता है, और जो इंटर नोड्स होते थे वो हॉलो होते हैं जैसे आपको बम्बू में देखने को मिलता है, और इसी इंटर नोड्स पे आपको रिब्स भी देखने को मिलते हैं, रिब्स मतलब रिजेस और ग्रूव्स तो उसे को रिब्स बोलते हैं, वो देखने को मिलते हैं। ब्रांचेस जो थे, अब जो मेन स्टेम है उस पर ब्रांचेस दो टाइप के होते थे, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड ग्रोथ के, ठीक है, दो टाइप के वहाँ पे ब्रांच प्रेजेंट होते थे, ये नोड से निकले हुए रहते थे, और स्केली लीव्स पाए जाते थे जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये भी वॉल में पाए जाते हैं, घेरे में पाए जाते हैं, ठीक, यहाँ पे जहाँ पे आपको ये थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन ब्लैकिश टाइप का दिख रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे लीव्स होते हैं स्केली टाइप का, एक सर्कल में घेरे में नोड्स पे पाए जाते हैं। अब स्टेम जो है कॉर्टेक्स, स्टेम के कॉर्टेक्स में साइजोलिसिजिनस कैनाल्स होते हैं, ठीक, साइजोलिसिजिनस कैनाल जो होते हैं इनको एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया है वेलिकुलर कैनाल, और ये जो फरोज होते हैं, फरो मतलब जो गड्ढा सा पार्ट होता है उसके नीचे पाए जाते हैं, तो हमेशा से याद रखिएगा वेलिकुलर कैनाल पूछा जाए कहाँ पे है तो आप कहाँ पे बताएंगे, कॉर्टेक्स में बताएंगे। और स्टील की बात कर लेते हैं स्टेम का, तो ये साइफोनो स्टील होता था क्योंकि बीच में पिथ होता है, ठीक, और स्टील जो है वहां पे प्रोटोजाइलम लकुना बना होता है, एक ये भी खास बात है, लकुना का मतलब कैनाल ही आप कह लीजिए, और जिसे कारिनल कैनाल बोलते हैं। तो दो टाइप के यहाँ पे आपको कैविटी मिलती, एक तो कॉर्टेक्स में जिसको वेलिकुलर कैनाल बोलते थे बोला जाता है वो फरो के नीचे हुआ होता है, और यहाँ पे एक प्रोटोजाइलम का लकुना होता है, मतलब ये स्टील के अंदर कारिनल कैनाल होता है, ठीक, जो बोथ हैं ये वेलिकुलर और कर्नल कैनाल दोनों के दोनों नोडल रीजन पे एब्सेंट होते हैं, ठीक, और ये कैनाल जो होते हैं जब राइजोम का आप टीएस काटेंगे वहां पे आपको नैरो मिलेंगे, मतलब उतना ब्रॉड इनका वो नहीं होता कैनाल। फ्रॉम राइजोम वेजिटेटिव फोटोसिंथेटिक एंड फर्टाइल नॉन फोटोसिंथेटिक सूत्र, राइजोम से वेजिटेटिव फोटोसिंथेटिक और फर्टाइल जो है नॉन फोटोसिंथेटिक शूट जो है निकलते हैं। राइजोम क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है, तो उससे जो इरेक्ट स्टेम निकलता वो कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, वेजिटेटिव ही रहते हैं, और कुछ फर्टाइल वाले निकलते हैं जिसपे आगे चल के स्पोरेंजिया वगैरह बनेगा। रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं, तो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें ट्यूबर्स के द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें तो ये इक्विसीटा में क्या है, होमोस्पोरस फर्म है, दैट मीन्स जो यहाँ पे स्पोर्स बनेंगे वो ऑल अलाइक होंगे, सारे के सारे सेम, ठीक। और एक खास बात ये है कि जो यहाँ पे स्पोरेंजियो फोर होता है वो पेल्टेट होता है, ठीक, और ये कोन या स्ट्रोबिलस बनाते हैं जो इक्विसीटम है, ये इनके जो ये आपके सारे स्पोरेंजिया वगैरह रहेगा ये कोन या स्ट्रोबिलस के अंदर होता है, स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिया टाइप का होता है। मैंने आपसे बता दिया था कि आपसे बहुत बार पूछा जाता है कौन कौन से टेरिडोफाइट्स हैं जो यूस्पोरेंजिएट हैं, कौन लेप्टोस्पोरेंजिएट है, कौन होमोस्पोरस है, कौन हेटरोस्पोरस है, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, तो आप याद कर लीजिएगा। स्पोर्स की अगर हम बात कर लें तो जिसमें स्पोर बनते हैं वो ग्रीन होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और स्पोर्स के पास अपने इलेटर्स भी होते हैं, जो स्पोर जर्मिनेट करके प्रोथैलस बनाते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, और उनमें यूनिसेलुलर राइजॉइड्स भी होता है, और ये प्रोथैलस मोनोस्टेस होते हैं, मतलब जो इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे वो सेम प्रोथैलस पे बनेंगे, अलग अलग नहीं बनते हैं। ये केस जो है होमोस्पोरस जितने भी टेरिडोफाइट है सभी में यही केस है कि वो क्या होते हैं, मोनोस्टेस होते हैं, ठीक। कभी कभी क्या होता है, शायद इक्विसीटम ही है, इक्विसीटम में कभी कभी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से ये जो होता है आपके जो स्पोर्स रहते हैं ये कभी कभी मोनोसियस नहीं डायसियस प्रोथैलस बनाने लगते हैं, मतलब रहते ये होमोस्पोरस हैं, एक ही टाइप के स्पोर बनाते हैं, लेकिन जो स्पोर्स बनते हैं वो कुछ मेल में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ फीमेल में, तो ये इसे हम इनसिपिएंट हेटरोस्पोरी बोलते हैं, और ये इक्विसीटम में पाया जाता है, आप याद रखिएगा, ठीक। अब जो मेच्योर आर्चिगोनियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके पास एक एग होता है, एक विंटर कैनाल से होता है, और एक क्या होता है, एक या आप कह लीजिए दो नेक कैनाल सेल्स होते हैं, ठीक है, तीन चार रो का उस पर नेक सेल्स भी होता है। एंथ्रोजॉइट्स की बात कर लें तो इसमें एंथ्रोजॉइट्स क्या होते हैं, मल्टी फ्लैजलेट होते हैं, बहुत सारे फ्लैजला होते हैं, और जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो एक्सोस्कोपिक होता है, दैट मीन्स जो एम्ब्रियो जब डेवलपमेंट होगा उस पर कहाँ भी बनता है, जो एक फर्टिलाइज करके जायगोट बनेगा, जायगोट ही डिवाइड करके आपका
क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। तो उसमें ये शूट एम्ब्रियो में भी पोलरिटी आ जाती है रेडिकल और प्लीम्यूल की वजह से। प्लीम्यूल करके शूट बनाता है, रेडिकल रूट बनाता है। तो जो शूट है आपका वो वाला सिस्टम जो आर्चिगोनिया का वेंटर होता है, अरे वेंटर कह रहा हूँ, नेक होता है उसकी तरफ होता है। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट बोलते हैं। और यहाँ पे एम्ब्रियो में सस्पेंसर नहीं बनता है। तो ये था आपका कैलामाइट्स और इक्विसीटम, दोनों के दोनों हो गए आपके। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और मेंबर के साथ मिलूंगा। देखते रहिए आप लगातार मासास ऑफ बॉटनी। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्स 10,000 सारे एलजी फंजाई ब्रायो ट्रेडो जिम्नो एनजीओ साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।